हरिओम, मेरा नाम ईश्वर सिंह शिंदे, नागपुर मानकापुर हिंदी उपासना केंद्र। मैं बापू की तरफ 2012 से आने लगा। बापू की तरफ आने के पहले मेरे लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे, लीगल प्रॉब्लम्स कुछ थे, कर्जे थे और बहुत अजीब सी मिजरेबल लाइफ थी। बापू की तरफ आने के बाद में मुझे एक महसूस हुआ कि सारे प्रॉब्लम्स धीरे 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 एक एक प्रॉब्लम ख़त्म होते गए और एक डेढ़ साल के अंदर में लाइफ एकदम स्मूथ हो गई। इतनी कि इतने स्मूथनेस की हमको आदत नहीं थी, इसलिए हमको भी कुछ अजीब सा लगता था कि अरे इस महीने में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, अरे ये प्रॉब्लम आया आने के पहले ख़त्म हो गया, ये प्रॉब्लम आया जल्दी से छूट गया, प्रोलॉन्ग नहीं हुआ। इस तरह से लाइफ चल रही थी। अनुभव बहुत है, मेरा ट्रक का व्यवसाय है, एक्सप्लोजिव ट्रांसपोर्टेशन का, बहुत बार मैं गाड़ी के साथ में रहता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ मैं। दो बार मेरे साथ में ऐसा हुआ कि 50-60 के स्पीड में मैं घाट उतर रहा हूँ और गाड़ी का लेफ्ट साइड का टायर फूट गया। मैं मेरे रेगुलर पठन जो है, शुभंकर अस्तहोनम, अशुभ नाशिनी अस्तहोनम, ये सब मैं चलाते चलाते बोलते रहता हूँ। और मैं घर से निकलते वक्त में जैसे मैं यूदी लगाता हूँ और बापू को बोलता हूँ कि बापू चलो अपने को यहाँ जाना है, उसी तरह ट्रक स्टार्ट करने के पहले मैं ट्रक को भी उदी लगाता हूँ, स्टेयरिंग को लगाता हूँ, गियरबॉक्स को लगाता हूँ, इंजन को लगाता हूँ, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोनों बार ऐसा हुआ कि जब मेरे गाड़ी के टायर फूट गए तो गाड़ी स्मूथली ऐसे धीरे 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 जर्क लेते हुए लेफ्ट साइड में जाके रुक गई। उसमें भी एक बड़ा अनुभव मैं आपको बताना चाहूँगा। एक बार 2015 के बीच में ऐसा हुआ कि मैं खाली गाड़ी लेके किशनगढ़ से जयपुर जा रहा था। 80 फुट का रोड चौड़ा, 80 फुट का रोड उस साइड में, बीच में 20 फुट का डिवाइडर जिसके ऊपर में छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं। मैं राइट लेन पकड़ के चल रहा था, 40-50 की स्पीड होगी, ज़्यादा स्पीड नहीं थी, और अचानक मेरे गाड़ी के ब्रेक लग गए। और इसके पहले कि मैं कुछ समझ पाता, ज़ोर से मेरी गाड़ी डिवाइडर के ऊपर में फेंकी गई, चढ़ गई और डिवाइडर के ऊपर से चलने लग गई। अब पहले तो मुझे ये लगा कि गाड़ी के बीच का कुछ ब्रेक का कोई पार्ट टूटा होगा, लेकिन बाद में देखता हूँ कि गाड़ी चल रही है, ब्रेक मार के देखा ब्रेक लग रहा है, स्टेयरिंग ठीक है, फिर हुआ क्या है। इस बीच आजू बाजू का सारा ट्रैफिक रुक गया था। मैंने गाड़ी धीरे धीरे आगे लेके डिवाइडर से नीचे उतारा और लेफ्ट साइड में जाके मैंने खड़ी कर दी। बस गाड़ी खड़ी करता नहीं करता उतने में देखता हूँ कि 8-10 लोगों ने आके मुझे घेर लिया, गाड़ी के साइड में खड़े हो गए वो और ज़ोर ज़ोर से गालियाँ देने लग गए। मुझे समझे नहीं कि हुआ क्या है। वैसे मैं बहुत झगड़ालू हूँ और इस प्रोफेशन में रहना पड़ता है, नहीं तो आदमी जी नहीं सकेगा, लेकिन क्या हुआ यही मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे पास कोई पॉइंट नहीं था कि मैं किस चीज़ को लेके लड़ूं। थोड़ा फ्रीज अवस्था में था मैं। फिर मैं नीचे देखा तो देखा कि उनका एक एक आदमी, एक एक दो दो आदमी बढ़ते जा रहे हैं। मैं नीचे उतरा तो वो लोग मेरे तरफ में बढ़े। उतने में हुआ यूँ कि अपोजिट साइड से, जहाँ पर एक दुकान थी करीब 150 फीट दूर, वहाँ से दो जवान लड़के दौड़ते हुए तीर की तरह मेरे तरफ में आए और उन्होंने उन सारे लोगों को रोक के रखा। वो ज़ोर से चिल्लाया उनके ऊपर में कि तुम्हारा यही तमाशा है, हमेशा तुम ऐसे करते हो, 2-3 दिन पहले तुमने ऐसा किया और ये सब नहीं चलेगा, और उनके ऊपर ज़ोर से वो चिल्लाने लग गए। और वो लोग बढ़ते ही जा रहे थे, 1, 2, 3, 4। नीचे उतरने के बाद में मुझे पता चला कि एक 22 चक्के वाला जो बड़ा ट्रेलर रहता है, वो कुछ हैवी सीमेंट वैसे जैसे कुछ भर के जा रहा था, उसने मुझे पीछे से ठोस मारी। उसके ठोस से मैं राइट साइड डिवाइडर पे गाड़ी फेंकी गई। मेरी गाड़ी तो कंट्रोल हो गई, लेकिन उसकी गाड़ी कंट्रोल ना होके रोड का डिवाइडर पार करके उस साइड में जाके उल्टे दिशा में मुंह करके वो खड़ी हो गई। उससे समझ में आता कि कितने स्पीड में वो रहा होगा।
तब मुझे सारा समझ में आया कि भाई एग्जैक्टली क्या हुआ होगा। उस इंसान के जिस मालिक के, वो ड्राइवर के जो थे, उनके मालिक के, ट्रेलर के मालिक के, कम से कम 200 ट्रेलर उस 100 किलोमीटर के अंदर में चलते हैं, और हर 2-3 मिनट में एक एक ट्रेलर आके रुक रहा था, उसके लोग बढ़ते ही जा रहे थे। लेकिन ये जो दो लोग थे, इन्होंने रोक के रखा उन लोगों को, मुझे साइड से लगे कि बोले अंकल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इधर में आइए। एक खटिया पर मुझे बिठाया उन्होंने और बोला कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं, इन लोगों का यही धंधा है, 3 दिन पहले ही इन्होंने ऐसा तमाशा किया, ये लोग आपसे पैसे मांगेंगे, आपने पैसे बिल्कुल देना नहीं है, आपके गाड़ी का जो नुकसान हुआ आपने बढ़ा के बताना है, और अगर सेटल नहीं होता है तो आपने बाजू में पुलिस चौकी है, पुलिस की तरफ में जाना है। बस वैसा बोल ही रहे उतने में एक पुलिस सिपाही उधर से आ रहा था, उन्होंने पुलिस सिपाही के हवाले मेरे को किया और बताया कि पैसे बिल्कुल देना नहीं, और वहाँ से दोनों चले गए। हम लोग पुलिस चौकी में गए, वो पैसे मांगने रहे थे, नुकसान भरपाई मांग रहे थे, नुकसान मेरा भी हुआ था, मैं उनको बोल रहा था कि नहीं तुम पुलिस केस करो, जो भी होगा इंश्योरेंस कंपनी देगी, मैं पैसे देना है नहीं। उन्होंने 1.5 घंटा कोशिश किया और वो लोग निकल गए। इस बीच पुलिस वाला बोला कि चलो ये हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, नाम पता लिख लेते हैं, हो सकता है कि आगे में जाके वो रुके होंगे तो आपको पकड़ेंगे, तो आप नाम पता लिख के जाइए, ज़रूरत पड़ने पर हो सकता है फिर से आके कंप्लेंट करें तो हम आपको बुला सकें। 15 किलोमीटर दूर मुझे वो पुलिस स्टेशन लेके गया, उसने नाम वाम लिख लिया और मुझे बोला कि अब आप जाइए। ये सारी घटना के दौरान मैं एक अजीब सी अवस्था में था, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। जब मैं बाद में शांति से सोचने लगा जाने के, वहाँ से निकलने के बाद में, कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो ट्रक पीछे से इतने स्पीड से आया, मुझे जर्क महसूस क्यों नहीं हुआ, और वो दो लोग कौन थे जो दौड़ के आए, मैं उस जगह पे कभी रुकता नहीं है, मेरे को अननोन जगह है, वो लोगों को मैं पहचानता नहीं, वो जो दो बच्चे थे, जो लड़के थे, जवान लड़के थे, वो कौन थे। आज के ज़माने में जहाँ पर लोग एक्सीडेंट होने के बाद में रुकते नहीं है झमेले में फंसने के, इसमें वो सिर्फ दो लोग 10-15 लोगों को आके अकेले रोकते हैं और मुझे सेफली निकाल के ले जाते हैं और ये करते हैं, वो कौन हो गया। और फिर मुझे समझ में आया कि मेरे लिए मेरे बापू और सुचित दादा दौड़ के आए थे, ये दो के अलावा तीसरा वहाँ कोई हो नहीं सकता, क्योंकि एक अपना बाप ही एक बच्चे के लिए दौड़ सकता है, दूसरा कोई नहीं दौड़ सकता। हरिओम अम्बद्या।